हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट होममेड टोनर शेयर करूँ जो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, फेयर, स्पॉटलेस बनाएगा। आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को पूरे दिन ये तरोताज़ा फ्रेश बना के रखेगा। जैसा कि आप जानते हो, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में हमारी स्किन पे काली सी परत जम जाती है, हमारी स्किन का जो कलर है वो दब जाता है। साथ ही साथ हमारी स्किन में कील मुहासे की प्रॉब्लम या फिर झाइया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिप लगती है, बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है। तो आप ये वाला टोनर अप्लाई करोगे ना अपने फेस पे, तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा आपको क्लीन, क्लियर, लाइट, ब्राइट, फेयर, हेल्दी लगेगी। आपकी स्किन में जो एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, ब्लैक स्पॉट है पुराने से पुराने, उसे ये दूर करेगा। साथ ही साथ आपकी स्किन में खुजली है, जलन है, घमोरियों की प्रॉब्लम है, तो आप अपने फेस के साथ साथ पूरी बॉडी पे इसे अप्लाई कर सकते हो। आपके बॉडी में कहीं पे भी एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ करोगे ना तो वो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपकी स्किन के साथ साथ आपके हेयर के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये टोनर है। तो चलिए जानते हैं आपको ये टोनर किस तरह से बनाना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसे मैंने गैस पर रख दिया है। फिर मैं यहाँ पे एक ग्लास भर के इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पुदीना के पत्ते ले रही हूँ। मैं यहाँ पे मिंट लीव्स यूज़ कर रही हूँ। आपको इसकी जो डांडी रहती है वो भी आपको लेना है, आप देख सकते हो वीडियो में। पुदीना के पत्ते हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन से जो दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, बढ़ती उम्र के निशान है उसे ये दूर करता है। पुदीना में सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन के बैक्टीरिया को किल करता है और साथ ही साथ कील मुहासों को जड़ से खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। पुराने से पुराने जो काले दाग धब्बे हैं उसे भी पूरी तरह से खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे पुदीना को 5 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लिया है। मैंने यहाँ पे एक उबाल तक इसे पकाया, फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए और पका लूँगी जब तक इसके सारे गुण पानी में ना आ जाए। देख सकते हो इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा गर्म है, अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, देख सकते हो। अब आपको एक खाली स्प्रे बॉटल लेनी है, फिर खाली कोई भी आप कंटेनर ले लो, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने यहाँ पे एक खाली स्प्रे बॉटल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो इसे अपने फेस पर डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बचा हुआ पुदीना का पानी है अगर बच जाता है तो आप क्या करो, आइस ट्रे में उसे ट्रांसफ़र कर दो, रोज़ाना अपने फेस पर वो आइस क्यूब रब करो। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें पुदीना का पानी ऐड कर लिया। अब आप इसमें 4 चम्मच जितना चाहो तो रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो अगर आपकी स्किन पे सूट होता है तो। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद फिर आप चाहो तो इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें 1/2 चम्मच जितना एलोवेरा जेल यूज़ किया था। जिनकी ड्राई स्किन है वो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप अपने फेस पर इसे रोज़ाना अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने फेस पर 15 से 20 मिनट तक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फिर आप अपना फेस वॉश करना चाहते हो, तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे ओवरनाइट अपने फेस पे लगा के भी सो सकते हो। अगर आप इसमें लेमन जूस यूज नहीं करते तो आप एज अ मार्केट के टोनर के जैसा आप इसे यूज कर सकते हो। दिन भर आप अपने फेस पे इसे रख सकते हो, आपको मुंह धोने की भी जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो में देख सकते हो मैंने अपने हाथ पे यूज किया, मेरी स्किन मुझे काफी ज्यादा लाइट, ब्राइट, सॉफ्ट, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज लग रही है। बहुत ही अच्छा कूलिंग सा इफेक्ट आ रहा है। आपके फेस को ये पूरे दिन तरोताज़ा बना के रखेगी। आप अपने नेक पोर्शन पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, अपने बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, आप इसे बाहर भी लेके जा सकते हो। ये ट्रायल फ्रेंडली है और आप इसे फ्रीज में 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इसमें इसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इसे आराम से 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फ्रेश बनाओ, फ्रेश यूज़ करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसे दिन में 2 बार यूज़ करें और आप इसे रोज़ाना यूज़ करें, आपको खुद अपनी स्किन में काफ़ी अच्छा फर्क नजर आएगा। आपकी स्किन आपको काफ़ी ज़्यादा क्लीन, क्लियर, लाइट, ब्राइट, फेयर, स्पॉटलेस लगेगी। आपकी स्किन में जो एक्ने थे, पिंपल्स थे, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, फाइननेस की प्रॉब्लम थी, आपके आंखों के यहाँ पे जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थी, आपकी स्किन में जो कालापन था उसे पूरी तरह से रिमूव करेगा। टोनर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है और साथ ही साथ जो आपकी स्किन में जो बैक्टीरिया बनते हैं उसे किल करता है और आपकी स्किन में जो डेड स्किन सेल की लेयर होती है उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। खुजली, जलन की प्रॉब्लम है, घमोरिया की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है उसे दूर करता है, एलर्जी की प्रॉब्लम है उसे भी ये दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसे हफ्ते में 2 बार अपने बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बालों का झड़ना रोकेगा, आपके स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो गया उसे दूर करेगा, डैंड्रफ को दूर करेगा और माथे से जो पसीना आता है उसे भी ये आने से रोकेगा। आप स्किन के लिए और हेयर के लिए टोनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। आप इसे बनाएं और आप इसे गर्मियों के लिए यूज़ करें, आपकी स्किन गर्मियों में बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी।
ये टोनर फीमेल और मेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। आप इसे यूज़ करें, बनाएं और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।